स्टार्ट। कान्हा कान्हा अरे तुम यहाँ छुपे बैठे हो, मैया बाबा और हम सब तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ और कब से ढूंढ रहे हैं। अब चलो चलकर सभी श्रेष्ठों का आशीर्वाद लो, तुम्हें आश्रम चलना है ना, सबसे विदा लो कान्हा। आज तुम अपने नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, अपने विद्यार्थी जीवन में। क्या कहा? आश्रम नहीं चलना, शिक्षा ग्रहण नहीं करनी। ऐसा नहीं कहते, मुझे ज्ञात है तुम अपने सखाओं से दूर नहीं होना चाहते हो और मैया बाबा से बिछड़ने का दूर भी है, किंतु ये कहना जरा सोचो इस दुख के बाद प्राप्त होने वाला सुख कितना आनंदमय होगा। कान्हा सदैव दुख के बाद प्राप्त होने वाला सुख तपते हुए मरुस्थल पर पड़ने वाली वृष्टि के समान होता है। और सोचो जब तुम लंबे समय के बाद आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके लौटोगे तब मैया कितनी आनंदमय होंगी और तुम्हें दौड़कर अपने अंग से लगा लेंगी और तुम्हारा माता चुमेंगी, तब तुम्हें कितना आनंद होगा। और एक और बात, अगर तुम हमारे साथ आश्रम चलोगे तो तुम मैया के दंड से भी बच जाओगे और तुम्हें माखन चोरी को लेकर जो मार खानी पड़ती है सो नहीं खानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें माखन चोर थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें हंसी कर रहा था।